बिना जांच बिना एक्सपर्ट के राय के मत लगाइए। कोई दवाई स्किन के लिए बिना राय के मत लीजिए। जो भी आप स्किन से कर रहे हैं इसको आप एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, इसको इम्पॉर्टेंट समझिए और सही राय पर करिए। इसको खेल समझकर इस पर कोई ट्रीटमेंट मत कीजिए आप। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपके हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर नायला है, डॉक्टर नायला इश्तियाक, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग पैसिफिक हॉस्पिटल एट पैसिफिक हॉस्पिटल विच इज़ नियर दिल्ली गेट, जो हिमायत बाग के ऑपोजिट है, और दिल्ली गेट में औरंगाबाद N12 सिडको में है। और आई ऑल्सो प्रैक्टिस इन एम्स हॉस्पिटल, बट नाउ आई हैव कम्प्लीटली स्विच्ड माई सेल्फ, सिर्फ पैसिफिक हॉस्पिटल में ही रहती हूँ। हमने पीडीए मैम, आम इंसानों को मानसून के ताल्लुक, मानसून में बहुत सी तकलीफ होती है, उस ताल्लुक से विस्तार से बताइए कि क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए लोगों को। मानसून में स्किन इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगल, वायरल तीनों ही बहुत कॉमन होते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को, बच्चों को, बूढ़ों को बहुत जल्दी लगते हैं। और अभी फंगल इन्फेक्शन की एपिडेमिक चल रही है, जो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी कॉमन है। इसलिए इसका इलाज डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन सही इलाज होना ज़रूरी है। अक्सर इसका इलाज सही से नहीं होता है, इसलिए क्योंकि पेशेंट्स को सही राय नहीं मिलती है। उसकी वजह भी ये एक है कि वो एक्सपर्ट्स के पास जाने की जगह कॉमन किसी के पास भी जाते हैं, राय लेते हैं, और कभी कभी केमिस्ट के पास से भी मेडिसिन ले लेते हैं। इसकी वजह से ट्रीटमेंट सही नहीं होता है और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन अगर आप फेस कर रहे हैं मानसून में, या किसी किस्म की आपको इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, बच्चों में कोई रैश वगैरह देख रहे हैं, तो इसको बिना इग्नोर किए इमीडिएटली आपको एक स्किन एक्सपर्ट के पास ही जाइए, क्योंकि स्किन की जो बीमारियां होती हैं वो स्किन एक्सपर्ट्स ही पिकअप कर सकते हैं, जनरल लोग नहीं पिकअप कर सकते हैं। और केमिस्ट के पास से प्लीज़ कोई मेडिसिन मत लीजिए, इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है स्किन का। और जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह जल्दी रिलीफ हो जाता है इससे, इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। मैं स्किन के लिए, कॉमन इंसानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? स्किन के लिए, स्किन एक इम्यून ऑर्गन है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब भी आप, जिस तरह से अगर आप हार्ट एलिमेंट होता है या कोई दिल की बीमारी को आप सीरियसली लेते हैं, दिमाग की बीमारी को सीरियसली लिया जाता है, इसी तरह जब स्किन में कोई बीमारी होती है तो वो क्रॉनिक बनने के पहले, यानी कि लंबी खींचने के पहले, या फिर वो अंदर बॉडी में कोई तकलीफ पैदा करने के पहले ही इसको सीरियसली लेके ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्यून ऑर्गन है और ये आपकी बॉडी के अंदर, इसके ऊपर जो भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ रिएक्ट करती है, इसके ऊपर वो बॉडी में अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए आपके स्किन को खेल मत समझिए। बाहर के टॉपिकल क्रीम्स, मेडिकेशंस, दवाइयाँ बिना जाँच बिना एक्सपर्ट के राय के मत लगाइए। कोई दवाई स्किन के लिए बिना राय के मत लीजिए। जो भी आप स्किन से कर रहे हैं इसको आप एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, इसको इम्पॉर्टेंट समझिए और सही राय पर करिए। इसको खेल समझकर इस पर कोई ट्रीटमेंट मत कीजिए आप। मैम, आप एक डॉक्टर है और आजकल महिलाएं भी और पुरुष भी जो है टोबैको को खास करके ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी कुछ आजार बढ़ने का अंदेशा होता है? जी बिल्कुल, टोबैको या किसी किस्म के जो ड्रग्स होते हैं, इसको यूज़ करने से म्यूकोज़ा में काफ़ी ज़्यादा फाइब्रोसिस, यानी कि प्री कैंसरस चेंजेस होते हैं। लॉन्ग टर्म पर इस्तेमाल करने से इसके वजह से कैंसर हो सकता है, शॉर्ट टर्म पे अल्सर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह खोलने में तकलीफ हो सकती है, पूरे दांत जबड़े सड़ सकते हैं इसकी वजह से। उतना ही नहीं है, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से एपेटाइट लॉस, स्किन में जो चेंजेस आते हैं उसके ऊपर डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है इंसान को, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर जब ये लेते हैं तो ये पूरे ह्यूमन हेल्थ पर फ़र्क करता है। मैम, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है जी, और अभी लेज़र वगैरह का भी इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, उस ताल्लुक से क्या बताएंगे? देखिए, लेज़र्स अभी काफ़ी सारे फील्ड्स में आ गए हैं, उसी तरह डर्मेटोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है लेज़र्स में, राइट फ्रॉम कॉस्मेटोलॉजी में, लेज़र सर्जरी में, लेज़र के जितने भी हम देखें पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स में, अगर हम इंडिया के बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स आजकल लेज़र से ही ट्रीटमेंट होता है। और हमारे इंडिया में अभी लेज़र का यूज़ मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, हालांकि हर विलेज में नहीं पहुँचा, लेकिन लेज़र का मशीन का यूज़ करना, उसको सही तरीके से एक नॉलेजेबल इंसान ही यूज़ कर सकता है। हालांकि आजकल लेज़र मशीन बहुत आम तरीके से लोगों तक पहुँचाई जा रही है, ऐसे डॉक्टर्स को जिनको नॉलेज नहीं है, इसलिए कभी भी आप जब लेज़र मशीन का यूज़ करना जाएँ तो आप ऐसे इंसान के पास जाएं जिसके पास डिग्री हो प्रॉपर
स्किन की या लेज़र में, या फिर वो कोई कॉस्मेटिक सर्जन हो या कोई प्लास्टिक सर्जरी हो, उनके पास ही जाएं, उनके पास ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि लेज़र भी एक दो तलवारी धार है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना और सही तरीके से बॉडी पर एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, और क्योंकि ये बॉडी के अंदर चेंजेस पैदा कर सकता है और इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेप्थ भी हो सकती है। और एक तरीके से कई सारे लेज़र्स ऐसे भी होते हैं जो डीप पिगमेंटेशन भी पैदा कर सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जब आप ले लेज़र ट्रीटमेंट तो किसी अच्छे लेज़र डॉक्टर से लीजिए और इसका पूरा बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाइए। आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज हैं और कॉस्मेटोलॉजी में तो बहुत डेवलपमेंट है इसका, फ्रॉम एक्ने टू हेयर लॉस टू हेयर रिडक्शन प्लस बॉडी स्कल्पटिंग, और इसमें काफ़ी ज़्यादा है इसका यूज़। बिल्कुल ले, लेकिन सही राय पे और सही डॉक्टर्स के पास जाकर लें। मैम, मेडिकल फील्ड में अब और कौन कौन से इलाज करते हैं, उस बारे में तफसील बताएं। मेडिकल फील्ड में ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट और मैं कवर करती हूँ स्किन, और हम गुप्त रोग का भी, यानी लोगों को आम तौर पे ये नॉलेज नहीं होती कि गुप्त रोग का भी इलाज किया जाता है। हम भी करते हैं गुप्त रोग का इलाज, स्पेशली महिलाएं जो हैं वो अपनी अंदरूनी बीमारियां या किसी किस्म की नाजुक जगह पे कोई तकलीफ हो रही है तो उसको छुपा के रखती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको फौरन जल्दी से ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट की या फिर किसी ये वेंड्रोलॉजिस्ट की, क्योंकि ये लोग हेल्प कर सकते हैं आपको, इसको जल्दी रोक सकते हैं। इसका असर आपके आपके फैमिली पे भी पड़ेगा, आपके हस्बैंड पे, आपके बच्चों पर भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट कभी भी रोकना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। गुप्त रोग में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हर्पीस है जो बहुत कॉमन है, आजकल हम बहुत सारे केसेस में डील कर रहे हैं, मोलस्कम कंटेजियोसम जो काफ़ी जेनाइटल एरियाज़ में लेडीज़ में बहुत कॉमन हो गया है। मैंने कई ऐसे केसेस डील किए हैं जहाँ पर हमने प्रेगनेंसी में निकाला है और पेशेंट्स को रिफ्यूज़ किया है, सिर्फ इस बेसिस पे कि उनको मोलस्कम है, इसलिए नहीं ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में डिलीवरी नहीं करेंगे, और उनके लिए दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क जो भी डॉक्टर्स है। इसलिए जब आप ये देखते हैं तो इसको आप बढ़ने मत दीजिए, इसको लेके आप बैठिए मत, इसको आप शर्मा कर छुपाइए मत, इसके लिए आप ट्रीटमेंट सीख कीजिए। डॉक्टर्स हैं आपकी मदद करने के लिए। तो हर किस्म का कोई भी इन्फेक्शन, या आपको ऐसे कोई अल्सर मालूम पड़ रहा है, कोई गांठ मालूम पड़ रही है, कहीं जलन हो रही है, कहीं कोई रैश आ रहा है गुप्त रोग का, तो कोई ऐसे नाजुक एरिया में, तो प्लीज़ उसको दिखाइए, जल्दी ट्रीटमेंट लीजिए और सही इलाज करवा लीजिए इसका। मैम, आप सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे को ही चेकअप के लिए आते हैं, तो खास दिन दूसरे लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए कुछ वक्त बढ़ाएंगे क्या? हमारा ऐसा है कि हम सिर्फ कंसल्टिंग वेडनेसडे और सैटरडे को कर रहे हैं, लेकिन बाकी दिन में हम अपॉइंटमेंट के साथ प्रोसीजर सारे करते हैं पेशेंट के, जो मंडे से फ्राइडे हम अपॉइंटमेंट लेकर ही करते हैं, लेकिन फर्स्ट हम पेशेंट वेडनेसडे सैटरडे देख लेते हैं, और जब हम उनको मखसूस कुछ ट्रीटमेंट रहा तो उनको हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं। लेकिन पहले अपॉइंटमेंट फर्स्ट जो रहेगा वो आप आके एक बार ले लें, उसके बाद हमको डे में कभी भी बुलाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वेनेसडे का और सैटरडे का टाइम बता दीजिए। वेनेसडे एंड सैटरडे 6 to 8 के बीच में हम रहते हैं अवेलेबल, ये रेगुलर ओपीडी है, इसमें हम हर आम इंसान को एनीबॉडी कैन वॉक इन आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं बिल्कुल।